दोस्तों जो कॉमिक्स पढ़ेंगे उसका नाम है अंकुर और जादूगर कौवा। ये कॉमेडी कॉमिक्स है तो पढ़ते हैं इसको। अंकुर, डोलू आज दिवाली है और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। डबनू मुझे भूख लगी है, दिवाली क्या खाक मनाऊं। देखो मैं बम पटाखे लाया हूँ मगर बम मेरी भूख तो नहीं मिटा सकते। डोलू, अंकुर मिठाई का डिब्बा लेकर आ रहा है, तुम उसे बातों में लगाओ। मैं उसके पीछे धमाका करूंगा, हड़बड़ाने से जब मिठाई का डिब्बा उसके हाथ से गिरेगा तो हम उसे लपक लेंगे। अंकुर, शहर में कल जो नई फिल्म रिलीज हुई है, तुम मुझे उसकी कहानी सुनने को कह रहे थे। डोलो, थोड़ी देर पहले ही मैंने वह फिल्म वीडियो पर देख ली है। अरे अंकुर ठहरो, एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ सर्कस का। शहर में जो सर्कस आई है मैं वह भी देख चुका हूँ। 100 फुट की ऊंचाई पर दिल को दहला देने वाली क्या गजब की कलाबाजियां लगाते हैं वे लोग। अच्छा, यही मौका है। और एक आदमी पूरी तलवार निगल जाता है। बड़ाओ, आ गया मिठाई का डिब्बा हाथ में। तुम्हें यह मिठाई नहीं खानी चाहिए। दिवाली पर मिठाई नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे, घास। हा। सारी मिठाई खा डाली, बड़ी स्वादिष्ट थी। लेकिन मैं उस मिठाई को फेंकने जा रहा था, उसे कुत्ते ने चख लिया था। क्या, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यही नहीं, जब कुत्ता दूर हटा तो इस मिठाई में छिपकली गिर पड़ी। तब मेरी मम्मी ने कहा कि इसे कॉर्पोरेशन के कूड़ेदान में फेंकाओ। डबनू जरा दूसरा बम देना। उस लड़के ने जो गंदी मिठाई खिलाई मुझे उसका कर्जा चुकाना है। तुम उसे बातों में लगाओ। अंकुर ठहरो, तीन जादूगरनियों की कहानी सुनते जाओ। तीन जादूगरनिया एक महल में रहती थी। कोकाप के काले दोस्त को दूर को काफी काले दत्ते को पहरे के लिए जगह की जरूरत थी। उसने जादूगरनियों को वीरान महल खाली करने का अल्टीमेटम दिया। वे परेशान हो गई, कहाँ जाएं? फिर आगे की कहानी में भूल गया। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब सुना देना। है बम को आग लगते ही वह चल दिया। मैं बम उस पर दे मारता हूं, धड़ाक, हाथ में ही फट गया। गिलगिल और जादूगर कौवा। एक दिन दोनों गिलगिल भाई जंगल की सैर को निकले। जब दूर गिलगिल चुड़ैल के घर के आगे से निकले तो उन्होंने अजब नजारा देखा। काऊ काऊ, परे हट मूर्ख कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई शीशे के आगे उछल कूद मचाने की? वहां सिर्फ मैं अपना खूबसूरत चेहरा देख सकती हूँ, तू अपना मनुष्य चेहरा कैसे देख रहा था? ओ, देखो बड़े भैया दोस्त, पिलपिली चुड़ैल अपने पालतू कौवे को किस बुरी तरह से लड़ रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। जरूर कौवे ने कोई गलती की होगी इसलिए। क्या बताऊं भैया, इस बूढ़ी सनकी चुड़ैल की गुस्सा कितना तेज है। आज जब मैं जरा उसके जादुई शीशे के आगे क्या चला गया। अरे वो शीशे के आगे किसी को जाने क्यों नहीं देती? वो इसलिए कि उसका जादू का शीशा बड़ा करामाती है। जो कोई भी उसमें लगातार 1 घंटे तक देखता है वो कई जादुई शक्तियों का मालिक बन सकता है। चुड़ैल की जादूगरी का यही तो राज है। बड़ी दुष्ट चुड़ैल है, अपने इतने अच्छे सेवक को घर से निकाल दिया। अब बेचारा रात कहाँ बिताएगा, इसका तो कोई अपना घर भी नहीं। अरे भैया, आज के जागने से भला कौन किसकी मदद कर, अरे भैया आज के जमाने में भला कौन किसकी मदद करता है? भला कौन ऐसा भला मानुष होगा जो मुझे रात भर के लिए जगह देगा? यहाँ इस पेड़ पर बड़ा सुंदर और अच्छा सुराख है और मालिक भी घर पर नहीं है। चलो आज की रात यहीं काट लूंगा। पेड़ में सुराख, कहो भाई ये सुराख तो हमारा घर है, यहाँ भला तुम कैसे रह सकते हो? देखो मैंने क्या कहा था, कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम भी मुझे अपने घर में 1 दिन के लिए नहीं रख सकते? ठीक है, ये भी तुम्हारा कसूर नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। आज का जमाना ऐसा है कि कोई किसी की मदद नहीं करता। जाओ जाकर अपने नरम गुदगुदे बिस्तरे पर सो जाओ। भला बारिश ठंड में बैठे बेकार पक्षी का तुम क्यों चिंता करोगे? ओ बेचारा, बाहर बड़ी ठंड है। मुझसे कभी किसी का दुख नहीं देखा जाता, क्यों न उस बेचारे कौवे को आज रात के लिए अपने घर में जगह दे दे। अच्छा कौवे भाई, तुम अंदर आ सकते हो,
लेकिन सिर्फ आज रात के लिए, कल कहीं और अपना बोर या बिस्तर लगाना। तुम दोनों बड़े दयालु हो, भगवान तुम्हारा भला करे। चिंता न करो, सोने से पहले बत्ती बुझा दूंगा। क्या करूं जब तक रात को कुछ अध्ययन कर लूं, मुझे नींद नहीं आती। हे भगवान, ये कौवा तो बिल्कुल क्रैक है, भला यह भी कोई पढ़ने का टाइम है? आए हमारी नींद, हो सकता है कल को फिर से जादूगरनी से इसकी दोस्ती हो जाए। और ये हाँ, अब ये ओह ओह, अब ये कैसा ची ची किटर किटर। कौवे भैया, जादूगरनी ने अपने घर के बाहर तख्ती लगा रखी है कि तुम उसे घर से दूर रहो। हे भगवान, चमगादड़ को भी हमारे घर में, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो ना? मिस्टर कौवे, अपने इन मन उस दोस्तों को जल्दी से चलता करो, वरना मजबूरन हमें तुम्हें भी चलता करना पड़ेगा। तुम दोनों बड़े बदतमीज हो, उन्हें भगाने के लिए उन पर चिल्लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और तुमने मुझे यह कब कहा था कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ नहीं बुला सकता? ओह, कितनी लंबी रात थी, शुक्र है किसी तरह बीती तो सही। दफा करो इस कल्लू को, ऐसा लग रहा है जैसे हफ्तों से नहीं सोया। हाय, नींद आ रही है। जादूगरनी अभी तक उस कौवे से नाराज है, जरा उधर उसे घर की तरफ तो देखो। इसका मतलब है आज रात को वह फिर हमारे घर आएगा। अब कुछ सोचना पड़ेगा। पक्षी मेरे घर से दूर रहे, सावधान कौवे दूर रहे। गिल गिलो, जरा अंदर आकर देखो, देखो मैंने तुम्हारे घर का क्या किया है। देखोगे तो चक्कर खा जाओगे। ऐसा क्या कर दिया तूने हमारे घर का? जरूर कुछ जादू वादू कर दिया होगा इसने। बस कुछ कुछ खास नहीं किया, तुमने मेरे साथ भलाई की, उसका कर्ज उतारने के लिए बस ये तो थोड़ा सा ही है। मैंने वो सारे करोड़ बाहर फेंक दिए जिनका तुमने ढेर लगा रखा था, और तुम्हारे घर को जामुन के घोल से रंग दिया। मैं अब तेरे को रंग दूंगा कालिए, हमारे घर का सत्यानाश कर डाला। तुम्हें क्या हो गया? नीला रंग तो बड़ा कलात्मक होता है, चित्रकार हुसैन महबूब भी बड़ा प्रयोग करते हैं इसे। बड़ा है हुसैन साहब का चेला, सारे घर का सत्यानाश कर दिया इस दुष्ट कौवे ने। अब बेकार में गरजने से कोई फायदा नहीं, जब ये चला जाएगा तो हम अपने घर को फिर से ठीक ठाक कर लेंगे। अरे गिलगिलो, मैंने सुना तुम्हारे घर पर मेहमान ठहरा हुआ है। जब भी पिलपिली चुड़ैल उसे अपने घर से धक्का देती है तो किसी न किसी के घर जा ठहरता है। पिछली बार उसने मेरे घर पर पूरे 4 हफ्ते तक डेरा जमाया था, पूरे 4 हफ्ते, बाप रे। लेकिन मैंने भी उसके वहां ठहरने से भरपूर फायदा उठाया था, और कुछ जादूगरी के कमाल सीख लिए थे। जादूगरी के कमाल? हाँ, जादूगरी के कमाल। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को भी कुछ सिखा सकता हूँ। अब देखो मेरा कमाल, आगड़ा का बागड़ा डमडू, मुझे पसंद सुनहरा रंग। देखा कितना मजेदार है, मतलब कि तुम चाहो तो जिस मर्जी फल को सुनहरे रंग का बना सकते हो। हाय सच, लेकिन क्या कौवे ने तुम्हें ये सब सिखाया? हाँ, लेकिन उसने अपने आप से नहीं सिखाया। जब वह सुबह उठकर अपने जादूगरी के अभ्यास करता था तो मैं छुप 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 कर उसे ताकता रहता था, और मैं सीख गया। फिर तो अब हम भी सीख गए हैं, अब चलकर आजमाया जाए। अगर उस दुष्ट चुड़ैल को पता लग जाए कि कौवा उसका बंडा फोड़ कर रहा है तो उसे गुस्सा आ जाएगा। अब चलकर हम भी आजमाते हैं, आकड़ा का बाकड़ा डमडू, मुझे पसंद सुनहरा रंग। वाह, देखो मैंने जादू से उस फूल को सुनहरे रंग में बदल दिया। तुमने उल्लू की बिल्कुल सही नकल की। अब चल जादूगरनी के घर चलते हैं। आकड़ा का बाकड़ा डमडू, मुझे पसंद सुनहरा रंग, बदल जा तू। ओए ये चूजे क्या कर रहे हैं, इन्हें मेरा मंत्र कैसे पता चला? अरे ओ बेवकूफो, पिलपिली चुड़ैल के घर के आगे जादूगरी दिखाते हो? हाय बचो, चुड़ैल को गुस्सा आ गया, उसने आग बरसा दी। हाँ कमाल है, हाँ वज्जाताई गुस्से में है। दोस्तों इसका प्रिंट थोड़ा खराब है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वह हमारा पीछा करके चटनी बनाकर खा जाएगी, नहीं वो तो हमारे घर की तरफ जा रही है जैसा हमने सोचा था, कौवे को पकड़ने। अबे ओ बेको कौवे, चुपचाप बाहर निकला जा,
मैंने तुझे घर से क्या निकाला, तू तू लोगों के सामने मेरे भेद खोलने लगा। काओ काओ छोड़ दो मुझे, काओ काओ बंद कर बेकू कौवे, वरना आज रोटी के साथ तेरा सलाद बनाकर खा जाऊंगी। अब चुपचाप घर चल, समझा? चल अब अपने घर को साफ करके दो दाकर पहले जैसा करते हैं, उस कौवे ने तो नाश कर डाला था। ही, फिर से अपना प्यारा प्यारा पीला रंग लगाने से अपना घर पुराना घर बन जाएगा। घर तो रंग दिया, अब घर को दोबारा अखरोटा से भरना होगा। चल अखरोट लाए, अखरोट तोड़े। हाँ अखरोटों के बगैर भी कोई जिंदगी है क्यों भैया? सुनहरे अखरोट भी खाएगा तू? सुनहरा रंग दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन खाया नहीं जा सकता। मुझे तो ये वे सादे सादे अखरोट ही पसंद है। धर्मचंद बेकार। ये पूरे 205 फटाक फटाक। वो उस्ताद आखिर कब तक हम यूं ही मक्खियां मार मार के गुजारा चलाते रहेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ इस लिचड़ जिंदगी से। ये 206 मरियल, क्यों ऐसी दिल छोटा करने वाली बातें करके अपना वजन घटाने पर तुलाए? और क्या करूँ उस्ताद? अरे तू चिंता मत कर मरियल, कभी न कभी ऊपर वाला हमारी बेकारी से तंग आकर हमारी छत फाड़ कर इतने नोट बरसाएगा, इतने नोट। जासूस धर्मचंद जी, उस्ताद ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो, लगता है कोई ग्राहक आया है, मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी देख कहीं आगे न चला जाए। लेकिन साहब बुजुर्गों ने सच कहा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तड़ाक, ओ गुरु तेरी आंखें है टिच बटन, जो तुझे मुझ जैसा अच्छा भला आदमी नजर नहीं आया। आए मेरा थोपड़ा, जी गलती होगी माफी चाहता हूँ। कहिए क्या काम है आपको हमारे उस्ताद धर्मचंद जी से? एक केस के बारे में उनसे बात करनी है। क्या कहा केस? ओ आइए आइए, धन्यवाद ऊपर वाले, तूने ग्राहक तो भेजा। इसी खुशी में मैं केस कैश की पेमेंट मिलने पर तुझे पूरे 12 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ तो श्रीमान कहिए आपको क्या काम है हमसे, यानी मशहूर जासूस 0007 धर्मचंद से? गप्पे अच्छी मार लेता है। मैं सेठ भिखारी दास का पीए हूँ, सेठ जी का कुत्ता डोमी कहीं खो गया है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है आपको बुलाने के लिए, ताकि आप सेठ जी का प्यारा कुत्ता ढूंढ दे। ए भिखारी दास के चमचे सुन, तूने मैं यानी चेलाए धर्मचंद को इतना गिरा हुआ समझा समझ लिया है कि हम कुत्तों के पीछे भागते फिरे? लेकिन दाड़ सिंह मरियल ने मामला संभाला। देखो उस्ताद, भूखो मरने से तो अच्छा कि हम इस केस पर काम करें। इतने बड़े सेठ का कुत्ता है, सेठ अच्छी खासी फीस दे सकता है। और फिर आपने सुना नहीं, बेकार से बेगार बली। लेकिन उस्ताद, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब एक बार हाँ कह दो, भूखो मरने से तो बच जाएंगे। ठीक है मरियल, जैसा तू कहता है। और फिर दोनों चल दे सेठ के पीए के साथ सेठ भिखारी दास से मिलने। सेठ के यहाँ, हाय मेरा प्यारा टॉमी बू। अरे सेठ जी आप तो बच्चों की तरह रो रहे हैं, चुप हो जाइए वरना यहाँ बाढ़ आ जाएगी। अब आप बिल्कुल चिंता न करें, हम आपके प्यारे टॉमी को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। हाँ सेठ जी, हम तो वो हैं कि अगर हिमालय पर्वत पर कहीं सुई भी गुम हो जाए तो उसे ढूंढ लाए। और फिर यह तो कुत्ता है, इसे तो हम चुटकियों में ही तलाश कर लेंगे। बस आप हमें अपने कुत्ते ही कोई खास पहचान बता दीजिए, ताकि हम इस शहर के कुत्तों की भीड़ में से आपके कुत्ते को ढूंढ निकालें। अरे तुम पहचान की बात करो सो भाया, मैं तुमने टॉमी की प्यारी प्यारी फोटो दे रहा हूँ जो मैंने 2 दिन पहले खिंचवाई थी। फिर क्या था, हमारे दोनों जासूस चित्र लेकर लग गए टॉमी को ढूंढे। ये तो नहीं, टॉमी एक पीठ के बाल तो थोड़े काले हैं। श्याम होने तक उन्होंने अनगिनत कुत्तों को देख डाला, आखिर मेहनत रंग लाई। उस्ताद वो देखो सामने, अरे बिल्कुल यही फोटो वाला कुत्ता। वाह मिल गया सेठ जी का कुत्ता। उस्ताद मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। अबे कल बंद इस तरह नहीं, अगर तू इस तरह कुत्ते पर झपटेगा तो वह भाग जाएगा, इसे किसी तरकीब से पकड़ना होगा। वाह हड्डी बन गया काम, अब तो यह कुत्ता अपने आप ही मेरे पास आ जाएगा। वाह हड्डी, आज तो डिनर करने का मजा ही आ जाएगा, सेठ जी तो बिस्कुट देकर ही टरका देते थे। हाँ ये तो आगे खिसकती जा रही है, मान गए उस्ताद जी के दिमाग को क्या स्कीम लगाई है, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं।
हाँ ये क्या हो रहा है, लगता है उस्ताद जी ने कुत्ते को पकड़ लिया है। अब तो सेठ से अच्छा खासा इनाम मिलेगा, गुर वो। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। हाय मार डाला मरिल, बचा ले मुझे। ठहर जा कमबख्त, मुझसे धोखेबाजी करता है। चिंता मत करो उस्ताद, मैं आ रहा हूँ। लो जी मरियल जी भी मैदान में कूद पड़े। ए ये पकड़ा मैंने कुत्ता, धम। उफ भाग गया कमबख्त, अब तो भागने में बुलाई, ये तो दो हो गए हैं। उफ शुक्र है ऊपर वाले का, इस कुत्ते के बच्चे ने मेरी जान तो छोड़ी। अरे ये क्या उस्ताद, उस्ताद ये क्या है, ये तो हीरे हैं, हीरे। ओ समझा, तभी सेठ भिखारी दास इसको इस कुत्ते के लिए मरा जा रहा था। हाँ ऐसा ही था, जरूर कोई स्मगलिंग वगैरह का चक्कर होगा। तभी हैंड्स अप धर्मचंद, इले तो परलोकपुरी की सैर करा दूंगा। तुम जासूसी की आड़ में स्मगलिंग करते हो? नहीं, इंस्पेक्टर साहब, हम तो लगा रखे हैं। जल्दी बोलो क्या कहना चाहते हो। दरअसल बात यह है कि हमें यह हीरे उस कुत्ते के पट्टे में से मिले हैं, जिसकी हमें सेठ भिखारी दास ने ढूंढने के लिए भेजा था। सारी बात सुनकर वो तो यह सारा चक्कर सेठ भिखारी दास का फैलाया हुआ है। सेठ ने जरूर यह हीरे उन चोरों से खरीदे होंगे जिन्होंने परसों बैंक ऑफ भिखारी में डाका डाला था। फिर क्या था, सेठ भिखारी दास के बंगले पर दावा बोल दिया गया। यहाँ से चोरी चोरी की कई चीजें बरामद हुई और फिर सेठ भिखारी दास जेल की सलाखों के पीछे था, चोरी का माल खरीदने के जुर्म में। बू मरवा दिया धर्मचंद थाने थाने मारे को, मैं भी देख लूंगा तुमने। हे, इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें भी कुछ इनाम इनाम मिल जाता तो हमारी वजह से ही तो सेठ पकड़ा गया है। हे, क्या कहा इनाम नमूनो, ये क्या कम है कि मैंने तुम्हें सेठ का साथ देने के जुर्म में अंदर नहीं किया। पकड़ लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कोई भी केस। खैर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, ये लो पूरे पौने 2 रुपए, बाजार से मूंगफली खा लेना। बारह कर उस्ताद, इन पैसों में से 12 आने मुझे दे दो। मैंने ऊपर वाले से वादा किया था कि मैं उसे केस की पेमेंट मिलने पर पूरे 12 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या गुर, मैं चढ़वाता हूं तेरा प्रसाद, तेरे कहने पर चलकर तो मेरा यह हाल हुआ है। ऊपर से 12 आने मांग कर जले पर नमक छिड़क रहा है, गुर। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।